हेलो दोस्तों, दिस इज रेड फार्म एनसीएम मोटरसाइकिल। दोस्तों आज की जो वीडियो है सलनसर के ऊपर आपने देखा भाई, मैं ऐसी बात पहले बता दूं कि मैं सलनसर के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूं। अगर पता है ना आपको, फ्री फ्लो बहुत ज़्यादा है, ग्लास फ्लो बहुत ज़्यादा है, सारे फ्री फ्लो होते हैं तो नुकसान भी करते हैं, तो मैं सलनसर के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूं। बट एक सलनसर ऐसा है, एक क्या मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे लाइक इंदौरी सलनसर तीन जाली वाला है, मफलर वाला है, जो कि यूसी इंजन में एक ओल्ड मॉडल की फीलिंग आती थी। ठीक, मन लगा दो, आती है तो वो बहुत चल रहा है सलनसर। बट यूसी इंजन बंद हो चुके हैं, सबको पता है भाई, यूसी हटके अब ये आ गया रिबॉन इंजन, ये वाला जो कि हमारे पास अभी आई हुई है हंटर, और हंटर में लगाएंगे इसमें इंदौरी, वो वाला लग जाएगा। नहीं, हंटर के लिए अलग से आ गया, इसलिए मैंने बता रहा हूँ, मतलब दिखाता हूँ अभी कौन सा हंटर के लिए अलग है, रिबॉन के लिए अलग है, मिट्योर के लिए अलग है, तीनों गाड़ी के अलग अलग सलनसर है। ठीक, पहले वाला क्या था, क्लासिक वाला, आपका क्लासिक इलेक्ट्रा स्टैंडर्ड सब में लग जाता है, बट इसका हंटर अलग, रिबॉन अलग, रिबॉन क्लासिक जो है, और मिट्योर का अलग। तो इस अभी इसकी कैसी आवाज़ सुनो, मतलब अच्छी आवाज़ होती है, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत लोगों को चाहिए कि क्या है, मुझे भी नहीं पता कैसी आवाज़ आने वाली है। अभी की आवाज़ ये है इसकी, अच्छी आवाज़, अगर आप स्लो बीट पे चलाओगे, मतलब एक गली में चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, तो आवाज़ अच्छी है, नो डाउट। बट इसके अंदर इंदौरी सलनसर कैसे साउंड देगा वो मैं भी देखने वाला हूँ, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा, मतलब सुनाऊंगा। ठीक है, आइए पहले दिखा दो सलनसर कौन सा है। ये रहा HKK इंदौरी, इसको निकालते हैं। देखिए, बेसिकली मैंने ये क्रोम मंगाया अभी, ठीक, हटाओ डिब्बा हटाओ, और इसके अंदर ब्लैक भी आता है, निकालना शायद इसको, भारी वजन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। ये देखिए, इस पर यहाँ हंटर लिखा हुआ मिल जाएगा, ये रहा पत्ती पे, और जो कि ब्लैक वाला है वो जो अगर आप इसमें ब्लैक वाला मंगाओ, क्योंकि हंटर में काला अच्छा लगेगा, तो ब्लैक वाला जो मंगाओगे उसकी प्लेट ये वाली क्रोम की है। ठीक, मैं आपको दिखा दूँगा, ये फोटो दिखा दूँगा, यहाँ पे देखो स्टैंप इसमें, ये रहा HKK इंदौरी। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी है पत्ती पे, जो बात है भाई, वज़न बहुत अच्छा है, फ्री फ्लो नहीं है, अंदर जाली हैं, तीन जाली वाला जिगजैग वाला सलनसर है, जो ऐसे आएगा, ऐसे घूम के फिर निकलेगी हवा, तो यहाँ से होपफुली दिख जाएगा आपको, दिखो, हाँ बोरा दिखा ऊपर की तरफ, तो ऐसे ऐसे करके घूमता है। तो अब इसको लगा के आवाज़ सुनते हैं इसकी, शायद सलनसर खोलो इसका। बस यही दो खोलते ही बोल्ट, हमारा ये सलनसर बाहर आ जाएगा इसका। सो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, ये रहा, तो जॉइंट होता है, बहुत से लोग सोचते हैं जॉइंट नहीं है, तो इसको लगाने के लिए बुश की जरूरत पड़ेगी या नहीं ये नहीं पता मुझे, अभी देखते हो लगा के, लग जाएगा ऐसे ऐसे करो अंदर, लुक और फिटिंग तो मुझे अभी तक सही लग रही है, करो आगे तक और आएगा अभी, यहाँ पे जब आएगा ना इसमें पूरा टच हो जाएगा इस पर। आ गया, सही आया, हटने दो, लुक कैसी आ रही है इसकी, लुक तो अच्छी आ रही है। चलो इसको टाइट करो, बोल्ट लगा के टाइट करो, शायद देखना इसके साथ मैच हो गया, पहले जैसे इसका शॉर्ट सलनसर था तो अब ये थोड़ा ऐसे करके आ गया एंगुलर, इसकी लुक जो आई है एंगुलर की तरह आई है, क्योंकि इसमें जो बेंड पाइप है वो स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा उठा हुआ है, जिसके वजह से इसकी लुक एंगुलर वाली आ गई, जो कि 500cc मॉडल में आया करता था। बाकी ये बाइक है यावर की, तो ये रहा उसका चैनल का नाम, अच्छा काम करता लड़का, देखना जरूर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, आवाज तो अच्छी आ रही है यार, मतलब वही पुरानी वाली साउंड इसके अंदर, एक चीज और बताऊंगा, पटाखे नहीं मारते सलनसर ये, क्यों बात वही बता दूंगा, आवाज तो अच्छी आ रही है। आइडल रहने में बीट आ रही है अच्छी, जैसे पुराने ओल्ड मॉडल की हुआ करती थी ना,
बहुत ही बढ़िया, साउंड अच्छी है, नो डाउट साउंड बहुत अच्छी है। इसको चला के देखते हैं। वही इसके अंदर साउंड वही है, पुरानी बुलेट वाली फीलिंग आ रही है, आवाज़ अच्छी है यार। बिजली तीन जाली है ना इसलिए। आइए थोड़ी बात करते हैं। सो आवाज़ तो बहुत ही अच्छी है इसकी। बाकी एक चीज़ बता दूँ, ये पटाखे नहीं मार सकता, चाहे इसके अंदर आप साइलेंसर ना भी लगाओ, चाहे इसके अंदर फ्री फ्लो लगा दो, कोई सा भी लगा दो, पटाखे नहीं मारेगा। रीज़न उसका, कोई भी EFI वाली बाइक इग्निशन ऑन ऑफ से पटाखे नहीं मारती, ठीक है ना, ये याद रखना इस बात को कि इग्निशन ऑन ऑफ करोगे पटाखे नहीं मारेगी, ताकि BS6 UC इंजन पटाखा नहीं मारेगी। सो एक चीज़ और आपको बता दूं कि भाई सिलेंसर चेंज करना इलीगल होता है, ये लीगल नहीं है, तो सिलेंसर के साथ ना छेड़खानी करो ज़्यादा अच्छा है, तो चलान कटना है अगर आप सिलेंसर चेंज करोगे। बाकी साउंड कम है, कन्विंसिंग के ऊपर आप कितना बना सकते हो, किसको क्या कर सकते हो, उस चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी ये इलीगल है चेंज करना सिलेंसर, ओरिजिनल सिलेंसर पे रहने दोगे तो कोई चलान नहीं कटेगा, बाकी सिलेंसर चेंज हो तो एक बहाना मिल सकता है। होप आप भाई वीडियो पसंद आई होगी, अगर लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो, बट उस नंबर पे कॉल मत करना, कॉल लिंक का नंबर नहीं है, ओनली व्हाट्सएप, तो कॉल वॉल मत करना, उस पर टीम संभाल लिए, वो देख लेगी ऑर्डर वॉर्डर, रिप्लाई थोड़ा लेट मिलेगा, बट अगर नहीं रिप्लाई है तो एक आध दिन बाद दोबारा मैसेज कर देना, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतने ही, के वीडियोज़ का मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियोज़ के साथ, बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। बट क्या इंदौरी लगने के बाद, बट क्या हो रहा है ये, ठीक चलो ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं, वहीं रखो, वहीं रखो, थोड़ा करूँ। हेलो, आ रहा हूँ, होपफुली आप विकेट टाइट करो जल्दी। बाकी सिलेंसर चेंज करना, EFI वाली नहीं मारती है, तो भूल जाओ कि आप पुलिस वाले ले कट।